अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, उसका पार्ट फोर है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जब किसी दूसरे कंट्री के लोग आके किसी दूसरे कंट्री के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। अब आप एग्जांपल से समझो, जैसे कि इंडिया का हिस्टोरियोग्राफी यानी इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है सबसे ज्यादा किसने लिखा है? ब्रिटिश के लोगों ने लिखा, यानी ब्रिटिश के लोग आके इंडिया में इंडिया का हिस्ट्री लिखा, यानी कि दूसरे कंट्री के लोग आके दूसरे कंट्री के बारे में हिस्ट्री लिखा, इसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आ गया? चलो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रॉट इंडियन हिस्ट्री वेयर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। इसका मतलब क्या होता है? अर्ली यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जब इंडिया का हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हुआ तो उस समय जो थे सबसे ज्यादा इंडिया का हिस्ट्री किसने लिखा? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा और क्रिश्चियन लोगों ने लिखा। समझ में आ गया? जो कि दूसरे कंट्री के लोग थे आके इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो फिर से, द अर्ली स्कॉलर, अर्ली स्कॉलर यानी कि शुरुआती में, स्कॉलर मतलब हिस्टोरियन, स्टडीड, स्टडीड मतलब इंडिया के हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना, एंड रोट, रोट यानी कि लिखना, इंडियन हिस्ट्री किसके बारे में लिखना? इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना। वेयर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो किसने लिखा? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने और क्रिश्चियन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री लिखा। समझ में आ गया? देयर प्रीजस्टिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे ऑफ सम ऑफ देम हैव रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर। तो इसमें जो दूसरे कंट्री के लोग थे, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे क्रिश्चियन लोग हैं, जब इंडिया में आए, इंडिया का हिस्ट्री लिखा तो उसमें क्या किया? इंडिया का हिस्ट्री का मजाक बनाया, रेडिक्यूल्ड किया। रेडिक्यूल्ड का मतलब क्या होता है? इंडियन हिस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाया। समझ में आ गए? यहां पे आप समझो इसको, देयर प्रीजस्टिस, प्रीजस्टिस का मतलब होता है उन्होंने जस्टिस नहीं किया। समझ में आ गए? अन्याय किया इंडियन हिस्ट्री के साथ। इस क्लियरली रिफ्लेक्टेड, दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है, कहां में? रेडिक्यूल्ड किया, रेडिक्यूल्ड, कुछ लोगों ने क्या किया? इंडिया की हिस्ट्री लिखा और इंडिया के कल्चर के बारे में वो लोगों ने अपने बुक में मजाक उड़ाया। समझ में आ गया? रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर, रेडिक्यूल्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। देयर राइटिंग वेयर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो जो इंडिया की हिस्ट्री लिखा वो कौन थे? ब्रिटिश वाले थे, यानी कि अंग्रेज थे। वो लोगों ने अपने बारे में तारीफ लिखा और इंडियन हिस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाया। समझ में आ गया? क्योंकि वो तो थे ब्रिटिश वाले, तो ज्यादा से ज्यादा अपने ही बारे में लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? देखो, द फाइव वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम का मतलब होता है पार्ट। एक बुक है जिसका नाम है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको फाइव पार्ट में लिखा गया और पब्लिश किया गया। कब पब्लिश किया गया? ड्यूरिंग 1922-1937, इस पीरियड के बीच में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश किया गया फाइव पार्ट में। समझ में आ गया? आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अगर आप ये बुक पढ़ोगे कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी लिखा, यानी कि अपने बारे में ज्यादा लिखा, इंडिया के बारे में मजाक बनाया। समझ में आ गया? अब हम आगे समझते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखना। मेनी यूरोपियन यानी कि जो यूरोप में रहते हैं, हम लोग कहां पे रहते हैं? इंडिया कहां पे है? एशिया में है। समझ में आ गया? यूरोप और एशिया। तो जो यूरोप के लोग थे उसमें से मेनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले आप समझ लो कि यूरोप और एशिया के बारे में, एशिया जो है ईस्ट, जितनी भी यूरोप किधर है? वेस्ट साइड है, और एशिया जो है किधर है? ईस्ट की तरफ है। समझ में आ गया? एशिया और यूरोप को, दोनों को एक साथ यूरेशिया कहते हैं। तो यहां पे जो यूरोप के लोग हैं, जो भी यूरोप के हिस्टोरियोग्राफी जो लिखते हैं, जो बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने, उनके मन में क्यूरियस आया, क्यूरियस यानी कि जानने की इच्छा,
जानने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। जिस चीज को आप जानना चाहते हो उसको हम लोग कहते हैं क्यूरियस। समझ में आ गया? तो जो यूरोप के लोग थे उनको बड़ी क्यूरियस थी, यानी जानने की इच्छा थी सिविलाइजेशन के बारे में, जो भी ईस्ट की तरफ, जो भी ईस्ट का सिविलाइजेशन है और जो भी ईस्ट की कंट्री है उसके बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते थे। कौन? यूरोप के लोग। समझ में आ गया? सम ऑफ दोज स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। तो जो भी यूरोप के लोग थे उनमें जो एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में उनका बड़ा एडमिरेशन था। एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा था, तारीफ था, और ईस्ट के यानी कि जो एशिया की कंट्रीज थे वो बड़ा रेस्पेक्ट करते थे। समझ में आ गए? दीज स्कॉलर वेयर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। फिर से आप समझो, जो यूरोप के लोग थे वो ईस्ट की तरफ जितनी भी कंट्री थी उनके लिए बड़ा रेस्पेक्ट था, बड़ा ही तारीफ करते थे, और वो ईस्ट कंट्रीज के बारे में लिखना चाहते थे। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। आगे हम समझते हैं, यहां पे देखो, द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। तो जो भी ओरिएंटलिस्ट आए यानी यूरोप के लोग आए तो ज्यादा से ज्यादा यूरोप के लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया और संस्कृत के लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। तो जो भी यूरोपियन हिस्टोरियन थे वो ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया, वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर, जो भी वैदिक पीरियड था उसके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और संस्कृत लिटरेचर जो भी था इंडिया का उसके बारे में वो लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? देयर स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने जब यूरोप के लोगों ने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद वो लोगों ने बताया कि एशिया और यूरोप में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से जो सबसे पुराना लैंग्वेज है वो है क्या आपका, यहां पे देखो, सबसे पुराना जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, संस्कृत रहा है। समझ में आ गया? सबसे पुराना लैंग्वेज जो रहा है इंडिया ही नहीं, इंडिया नहीं, एशिया और यूरोप में जितने भी कंट्री रहे सबसे जो एंशियंट लैंग्वेज रहा है वो रहा है संस्कृत। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, देयर स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। यूरोप और एशिया जो रहा है सभी लैंग्वेजों का मदर रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज की स्टार्ट कहां से हुआ, आप समझ सकते हो एशिया और यूरोप से हुआ। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। इन द 1784 सर विलियम जॉन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। तो बात है 1784 की सर विलियम जॉन्स आ गए, इन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पे? कोलकाता में। मतलब यहाँ पे एक उन्होंने क्या किया, एक ऐसा रिसर्च करने का एक घर बनवाया ताकि वहां पे हम लोग बैठ के अच्छे से रिसर्च कर सके। कहाँ पे? कोलकाता में। समझ में आ गया? कब किया उन्होंने, 1784 में। किसने किया? सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पे? कोलकाता में। समझ में? इट ओपन्ड द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो जो एशियाटिक सोसाइटी है कोलकाता में, उन्होंने किसके लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया, इंडियन का जो लिटरेचर रहा यानी जो बड़े बड़े बुक रहे उसके बारे में, और इंडियन हिस्ट्री के बारे में रिसर्च स्टार्ट हो गया। समझ में आ गए? आगे समझो, एमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर, जितने भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे उसमें से फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उसमें से जो थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर डिजर्व ए स्पेशल मेंशन। तो जितने भी ओरिएंटलिस्ट यानी यूरोप के जितने भी हिस्टोरियन थे उसमें से सबसे फेमस जो थे कौन थे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे। इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बताया
कि एशिया और यूरोप में, अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो जितने भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसमें से सबसे पुराना जो लैंग्वेज रहा है वो रहा है संस्कृत लैंग्वेज। समझ में आ गया, संस्कृत जो है सबसे एंशियंट लैंग्वेज रहा है एशिया और यूरोप का। ऐसा किसने बताया? ऐसा फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बताया। समझ में आ गया, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे उनका बहुत ही इंटरेस्ट था किसमें? संस्कृत लिटरेचर में। जो भी संस्कृत का बुक था वो ज्यादा पढ़ना चाहते थे और उसके बारे में ज्यादा स्टडी करना चाहते थे। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड दिस संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने क्या किया, एक बुक है हितोपदेश जो कि संस्कृत में है, उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। समझ में आ गए, याद रखना फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने एक बुक है जो कि संस्कृत टेक्स्ट बुक है हितोपदेश, उन्होंने क्या किया जर्मन लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किया। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ दी सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। उन्होंने क्या किया, 50 पार्ट लिखा, एक बुक 50 पार्ट में उन्होंने लिखा। उस बुक का क्या नाम है, द सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। समझ में आ गया, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो थे उन्होंने एक बुक लिखा जिसको 50 पार्ट में लिखा। समझ में आ गया, उस बुक का क्या नाम है, द सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। ही ऑल्सो कंप्लाइड ऋग्वेदा, उन्होंने क्या किया उसके बाद ऋग्वेदा के भी बारे में उन्होंने लिखा, विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने ऋग्वेदा के बारे में लिखा जिसको 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया ऋग्वेद को, यानी कि 6 पार्ट में ऋग्वेद को लिखा। समझ में आ गया, ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन, उन्होंने क्या किया बाद में ऋग्वेदा को भी ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, लेटली इट वर्ड सेड ए स्कॉलर हु हैज री इवेलुएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग has thrown light on the imperialistic interest of the orientalist scholars। बाद में यहाँ पे एडवर्ड जो है उन्होंने बताया कि जो orientalist historiography है वो काफी अच्छी रही है, जो वो चीजें नहीं, imperialistic जो interest होता है वो खत्म करता है। समझ में आ गया, जैसे imperialistic मतलब राजाओं के बारे में लिखना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया संस्कृत के बारे में अच्छे से लिखा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।